बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी की क्लास में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 3 पर थे, नाम है इसका बायोडायवर्सिटी। कल आपने इस चैप्टर से जो टॉपिक स्टडी किया वो था वायरस। आपने देखा कि वायरस क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और ये लिविंग भी माना जाता है, इसको नॉन लिविंग भी कहा जाता है। तो किन बुनियादों पर आप इसको लिविंग कहते हैं, किन बुनियादों पर आप इसको नॉन लिविंग कहते हैं। तो काफ़ी डिटेल में आपने वायरस को स्टडी किया था। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 3 का जो पहला टॉपिक है वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये क्या होता है जी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये देखेंगे और इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की ये डेफिनेशन होती है, मेथड टू ड्राइव बायोलॉजिकल नेम्स फॉर स्पीशीज। आपने देखा होगा कि बायोलॉजी के अंदर ऑर्गेनिजम्स का एक अलग सा डिफरेंट सा नाम होता है। मिसाल के तौर पे ह्यूमन का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो है होमो सेपियंस, एक अलग से नाम रखा हुआ है। ह्यूमन नहीं कहते बायोलॉजी में, बायोलॉजी में हम इंसानों को होमो सेपियंस कहते हैं। इसी तरह सरसों का जो पौधा होता है, इंग्लिश में आप इसको कहते हो मस्टर्ड प्लांट, बायोलॉजी में इसका नाम क्या है जी, बायोलॉजी में इसका नाम होता है ब्रासिका कंपेसिस। इसी तरीके से फ्रॉग का नाम होता है राना टिग्रीना। तो हमारे पास बायोलॉजी में हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक नाम है, एक अपना नाम होता है जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल नेम। उस नाम को रखने का जो तरीकेकार होता है, जो मेथड होता है, उसको आप कहते हो बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या हो गया, ऑर्गेनिजम्स के जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं उनको रखने का तरीकेकार, उनको रखने का मेथड, इसको आप कहते हो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब सवाल पहला ये आता है मेरे जहन में, वो ये है कि ऐसा है क्यों, क्यों हम बायोलॉजिकल नेम रख रहे हैं ऑर्गेनिजम्स के, हम नॉर्मल जो उनके नाम है उनको क्यों नहीं चलाते, क्यों हमने ह्यूमंस का नाम होमो सेपियंस रखा, ह्यूमंस अच्छा नाम नहीं है क्या। इसका जवाब ये है कि देखें, बायोलॉजी हमारे पास ये जो नाम होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, हर जबान में ऑर्गेनिज्म का नाम अलग अलग होता है। मिसाल के तौर पे इंग्लिश में आप कहते हो ह्यूमन, उर्दू में आप कहते हो इंसान, और अरबी में आप कहते हो बशर, अलग अलग नाम आ रहे हैं ना। इसी तरह अनियन, इंग्लिश में आप कहते हैं अनियन, उर्दू में आप कहते हैं प्याज, हिंदी लैंग्वेज में इसको कहते हैं आप गांदा, अरबी में इसका अलग नाम होगा, ग्रीक लैंग्वेज में अलग होगा। तो हमारे पास ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हर जबान में इनका अलग नाम होता है, एंड दैट क्रिएट कंफ्यूजन। अब एक शख्स है जी जिसको उर्दू नहीं आती, अब अगर आप उसको बोलें कि जी मैंने प्याज के सेल की स्टडी की, उसको थोड़ी समझ में आएगा प्याज क्या है, उसको उर्दू नहीं आती, उसको नहीं पता आप किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो। या आप कहते हो जी कि मैंने इंसानों की बीमारी जो है एक नई बीमारी ड्राइव की है, अब उसको थोड़ी पता इंसान आप किस ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हो, ठीक है। तो आपके पास दुनिया के अंदर बेतहाशा जबाने हैं, आप हर जबान में ऑर्गेनिज्म का अलग नाम रख के बैठे हो, एंड दैट क्रिएट कंफ्यूजन। हमें नहीं पता होता कि आप जिस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है। तो फिर क्या किया साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिकल नेम्स रख दिया हर ऑर्गेनिज्म के। अब एक इंसान, एक इंग्लिश जानने वाला इंसान है, एक इंग्लिश जबान बोलने वाला इंसान है, आप उसको बोलोगे इंसान उसके समझ में नहीं आएगा, आप उसको बोलोगे प्याज उसके समझ में नहीं आएगा, आप उसको बोलोगे सरसों का पौधा उसके समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इनके बायोलॉजिकल नेम बोले, आप बोले जी मैंने होमो सेपियंस पर रिसर्च की है, उसके समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो बायोलॉजिकल नेम जानता है, उसको पता है होमो सेपियन कौन है, ह्यूमन। आप बोले जी मैंने ब्रासिका कंपेसिस पर रिसर्च की है, उसके समझ में आ जाएगा आप मस्टर्ड प्लांट की बात कर रहे हैं। तो ये बायनोमियल, ये होते हैं बायोलॉजिकल नेम्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास हर ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग जबान में अलग अलग नाम है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो जाती है। लिहाजा हमने क्या किया, हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दुनिया में, हमने सबों का एक नाम रख दिया, उस नाम को आप कहते हो बायोलॉजिकल नेम। और बायोलॉजिकल नेम रखने का जो मेथड होता है, दैट मेथड इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब इसको रखा कैसे जाता है, यानी बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो मेथड है, इसमें हम नाम रखे कैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म के, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। ये जो वर्ड आ रहा है बायनोमियल, बाय मतलब दो, नोमियल टर्म्स को कहते हैं मैथमेटिक्स में, ये वर्ड आता है बायनोमियल, दो टर्म्स। यहां बायनोमियल का मतलब हो गया दो वर्ड्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बायोलॉजिकल नेम होगा उसमें दो लफ्ज होते हैं, ठीक है। तो अब हम प्रिंसिपल्स पर आ रहे हैं जी, कि हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर हम नाम रखना चाहते हैं, बायोलॉजिकल नेम रखना चाह रहे हैं, तो क्या रूल है जी, और उन रूल्स को आप कहते हो बायनोमियल नोमेनक्लेचर। पहला रूल ये है कि जब आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम रखोगे तो
वो नाम दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा, दो हिस्से होंगे नाम के। पहला पार्ट जो है, दो हिस्से, ऐसे दो हिस्से होंगे जी, पहला पार्ट जो है वो कहलाएगा जेनरिक नेम और दूसरा पार्ट कहलाएगा स्पेसिफिक नेम। ठीक, जब भी आप देखने बायोलॉजी में जितने भी बायोलॉजिकल नेम्स हैं सब में आपको दो नाम मिल रहे हैं, होमो सेपियंस, ब्रासिका कंपेस्ट्रिस, राना टिग्रिना, दो दो नाम मिल रहे हैं। तो हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल नेम रखते हैं तो बायोलॉजिकल नेम दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। पहले पार्ट को आप कहते हो जेनरिक नेम और दूसरे पार्ट को आप कहते हो स्पेसिफिक नेम। आपने इसी चैप्टर में टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ी है कि सबसे पहला ग्रुप होता है किंगडम, फिर उसके बाद आते हैं फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। आखिर के दो टैक्सा कौन से हैं? जीनस और स्पीशीज। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो जीनस होगा वो उसका जेनरिक नेम बन जाता है और जो उसकी स्पीशी का नाम होता है वो इसका स्पेसिफिक नेम बन जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप ह्यूमन की क्लासिफिकेशन देखेंगे तो ह्यूमन के क्लासिफिकेशन में किंगडम होता है एनिमेलिया, फाइलम होता है कॉर्डेटा, इसी तरह चलते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। जीनस जो होती है ह्यूमन की टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, जीनस होती है होमो और स्पीशी होती है सेपियन। तो आपने जेनरिक नेम उसके जीनस से उठा लिया, उसका जीनस क्या था? होमो। आपने जेनरिक नेम रख दिया होमो, और स्पेसिफिक उसकी स्पीशी का नेम क्या था? सेपियन। आपने स्पेसिफिक नेम रख दिया सेपियन। तो आपके पास बायोलॉजिकल नेम जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का रखते हैं तो दो पार्ट्स होते हैं, पहला पार्ट कहलाता है जेनरिक नेम, दूसरा पार्ट कहलाता है स्पेसिफिक नेम। जेनरिक नेम आप बनाते नहीं है, आप उस ऑर्गेनिज्म की टैक्सोनॉमिक हायरार्की देखेंगे, जो जीनस होगा वो उसका जेनरिक नेम बन जाएगा और जो स्पीशी होगी वो उसका स्पेसिफिक नेम बन जाएगा। मिसाल के तौर पर फ्रॉग की अगर हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की देखें तो फ्रॉग का जीनस होता है राना और स्पीशी होती है टिग्रीना। तो अब फ्रॉग का नाम क्या बन जाएगा? राना टिग्रीना। राना वर्ड मैंने कहां से लिया? जीनस से। टिग्रीना मैंने कहां से लिया? स्पीशी से। इसी तरीके से मस्टर्ड प्लांट जो होता है, सरसों का पौधा, अगर आप उसकी टैक्सोनॉमिक हायरार्की देखें तो उसकी टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जीनस जो होता है वो होता है ब्रासिका और स्पीशी होती है कंपेस्ट्रिस। जीनस क्या है? ब्रासिका, ये जेनरिक नेम हो जाएगा, और स्पीशी क्या होती है? कंपेस्ट्रिस, तो ये इसका स्पेसिफिक नेम हो जाएगा। तो बायोलॉजिकल नेम क्या बन जाएगा मस्टर्ड प्लांट का? ब्रासिका कंपेस्ट्रिस। इसी तरह ये जो आपकी हाउस फ्लाई होती है, घरों में जो मक्खियां होती है, इसकी जीनस होती है मुस्का और स्पीसी होती है डोमेस्टिका। तो अब हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम क्या बन जाएगा? मस्का डोमेस्टिका। बहुत सिंपल सा नाम है, जैसे इंसानों में होते हैं ना, पहला नाम आप अपना खुद अडॉप्ट कर लेते हो, दूसरा नाम फैमिली नेम होता है, इस तरह का है ज्यादातर। तो बायनोमियल बायोलॉजिकल नेम्स आप कैसे रखोगे? दो पार्ट्स पर होगा इसका नाम, इन जो ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल नेम दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। पहला पार्ट जेनरिक नेम कहलाता है, दूसरा पार्ट स्पेसिफिक नेम कहलाता है। जेनरिक नेम आप कैसे लेंगे? उसकी जीनस लिख दें। स्पेसिफिक नेम आप कैसे बनाते हैं? उस ऑर्गेनिज्म की स्पीसी लिख दें। ठीक, आगे कुछ मजीद रूल्स आते हैं जी। कुछ ये तो आपने नाम रख दिया, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम आपने रख दिया उसकी जीनस और स्पीसी को लेकर। तो ह्यूमंस का बायोलॉजिकल नेम क्या हो गया? होमो सेपियन, क्योंकि उसकी होमो जो है वो जीनस है, सेपियन जो है वो इसकी स्पीशी है। फ्रॉग का नाम क्या हो गया? राना टिग्रीना, क्योंकि राना जो इसकी जीनस है, टिग्रीना जो है वो इसकी स्पीशी है। हाउस फ्लाई का नाम क्या हो गया? मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, अब कुछ और दूसरे कुछ प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं। पहला प्रिंसिपल उसमें यह आता है कि जब आप ये नाम लिखेंगे तो खाली जेनरिक नेम का पहला लफ्ज कैपिटल होगा बस, बाकी सारे स्मॉल लेटर होंगे, इंक्लूडिंग स्पेसिफिक नेम का पहला वर्ड भी कैपिटल नहीं होगा, सिर्फ पूरे नाम के अंदर जेनरिक का पहला वर्ड कैपिटल होगा। होमो सेपियन में एच कैपिटल होगा, राना टिग्रीना में आर कैपिटल होगा, मस्का डोमेस्टिका में एम कैपिटल होगा, ब्रासिका कंपेस्टिस में बी कैपिटल होगा। तो ये तीसरा रूल हो गया, पहला जेनरिक नेम का जो पहला लेटर है वो आप कैपिटल रखेंगे। फिर चौथा रूल ये होता है कि अगर आप प्रिंट फॉर्म पे ला रहे हैं तो आपने इटैलिक लिखना होता है नाम को, ताकि देखने वाले को पता चल जाए कि ये बायोलॉजिकल नेम है, कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है। आपने इटैलिक, देखे मैंने चारों नाम जो लिखे हैं इटैलिक किए हैं, तो इटैलिक करने होते हैं आपको बायोलॉजिकल नेम्स, ताकि आपके पूरे पैराग्राफ में जो बायोलॉजिकल नेम है वो अलग से स्पेसिफाई हो रहा हो, नुमाया हो रहा हो, इटैलिक करेंगे। या अगर आप जाहिर बात है हाथ से अगर आप लिख रहे होते हो
तो फिर आप इटैलिक तो नहीं कर पाओगे, बहुत से लोगों की तो हैंडराइटिंग इटैलिक होती है, तो फिर आप अंडरलाइन करते हैं। ठीक, तो अगर आपने कंप्यूटर पर टाइप कर रहे हैं, कागज पर टाइप कर रहे हैं, तो फिर आप बायोलॉजिकल नेम को इटैलिक लिखेंगे, और अगर आप हाथों से लिख रहे हो, आप इटैलिक नहीं कर पा रहे, नहीं कर सकते, तो फिर आप बायोलॉजिकल नेम को अंडरलाइन करेंगे, ताकि आपको जो भी देखे, जो भी पढ़ रहा हो आपका डॉक्यूमेंट, उसको पता चल जाए कि इट इज द बायोलॉजिकल नेम। ये कोई बायोलॉजिकल नेम है, कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये एक ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल नेम है। बाज़ुकात जो है, बाज़ुकात अगर हमें पता होता है कि जी इस स्पीशी को किस ऑथर ने, किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, इसको किसने स्टडी किया, उसका नाम हमें पता होता है, तो हम उसके नाम का लेटर भी आखिर में डाल देते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे राणा टिगरीना, सपोज करें जी मैंने डिस्कवर किया हुआ है, तो मैं अपने नाम का जो लेटर है ना यू, वो मैं आखिर में लिख दूंगा। ये सिग्नेचर की तरह होता है, राणा टिगरीना आखिर में यू लिखा हुआ होता है। ये है जी बायनोमियल नोमेनक्लेचर, नाम रखने का रूल, एक यूनिक सा मेथड है, ताकि पूरी दुनिया में कोई भी बायोलॉजिकल नेम रखना चाहे तो एक ही तरीकेकार का, एक ही तर्ज का नाम बन रहा हो। ये नहीं कि किसी के कोई नाम रख रहा है तीन वर्ड का, कोई चार, नहीं, एक यूनिक सा मेथड है। इस मेथड को आप कहते हो बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये था बायनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या है जी ये, कि हमारे पास ऑर्गेनिजम्स के हमने बायोलॉजिकल नेम्स रखे हुए, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का जबानों में डिफरेंट नाम होता है। इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हमने हर ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर नाम रख दिया, उस नाम को आप कहते हो बायोलॉजिकल नेम, और उस नाम को रखने का जो तरीकेकार है, उस तरीकेकार को, उस मेथड को आप कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या तरीकेकार है? पहला पॉइंट कि आपने ऑर्गेनिज्म का जो बायोलॉजिकल नेम रखना, उसमें दो पार्ट्स होंगे, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम। दूसरा पॉइंट क्या है कि जेनरिक नेम आप ऑर्गेनिज्म की जीनस लिखते हो, और स्पेसिफिक नेम में आप ऑर्गेनिज्म की स्पीशी लिखते हो। तीसरा पॉइंट कि आप तमाम लेटर्स को स्मॉल रखोगे, बस जेनरिक नेम का जो पहला वर्ड है वो कैपिटल होगा, पहला लेटर कैपिटल होगा। चौथा पॉइंट, आप या तो इटैलिक लिखेंगे नाम को, या उसको अंडरलाइन कर देंगे। और आखिरी पॉइंट ये है कि अगर आपको ऑथर का नाम पता हो, तो उस ऑथर के नाम का पहला लेटर आपको आखिर में लिखना होता है। ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर था। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। हमारे पास इसी चैप्टर का जो आज अगला टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की हिफाजत। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी से पहले मायने समझते हैं कि मायने क्या होते हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी मींस द वे ऑफ केयरिंग सेविंग द स्पीसीज इन हैबिट ऑन अर्थ फ्रॉम डेंजर। आपकी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद है, इनको बचाना, इनकी हिफाजत करना, इनकी देखभाल करना, इनको महफूज रखना, इसको आप कहते हो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसी चैप्टर में हमने स्टार्ट में पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी के मायने, कि हमारी दुनिया में ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कई शक्लों में पाए जाते हैं। लाइफ हमारी दुनिया में कई शक्लों में पाई जा रही है, एनिमल्स, प्लांट्स, फंगस, बैक्टीरिया, एल्गी, कितनी शक्लें हैं जी। ये जो आपकी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म कितनी सारी शक्लें हैं, इसको आप कहते हो बायोडाइवर्सिटी। और इसकी हिफाजत करना, इन स्पीशीज को बचाना फ्रॉम डेंजर, फ्रॉम एक्सटिंक्ट, आप इनको खत्म होने से बचाएं, इनकी हिफाजत करें, बायोडाइवर्सिटी की हिफाजत करें, इसको आप कहते हो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी की हिफाजत क्यों करें हम और कैसे करें हम, क्यों करें का जवाब मैं आपको पहले देता हूं कि हम बायोडाइवर्सिटी की हिफाजत क्यों करें। मैंने आपको शुरू में इस चैप्टर के स्टार्ट में बताया था जब बायोडाइवर्सिटी, तो मैंने आपको यह भी बताया था कि अल्लाह ने क्यों आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म कितनी शक्लें दी है, क्यों आपके पास बायोडाइवर्सिटी मौजूद है। मैंने आपको बताया था कि बायोडाइवर्सिटी, ये जो आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की इतनी सारी शक्लें, आप कुछ ऑर्गेनिज्म से कुछ काम ले रहे हो, कोई आपके किसी बेनिफिट में, कोई आपके किसी बेनिफिट में। मिसाल के तौर पे आप जो है एनिमल्स में, कुछ एनिमल्स हैं आप उनको ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल करते हैं, कुछ एनिमल्स हैं आप उनको फूड सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, कुछ से आप दूध वगैरह हासिल करते हैं, कुछ के आप चमड़े वगैरह से आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कुछ से आप जो है मेहनत मजदूरी वाला काम ले रहे होते, यानी कि जैसे हल वगैरह चला रहे, आप एनिमल से बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हासिल कर रहे हो, दूध, गोश्त, खाना, हाथ पैर का काम, ट्रांसपोर्टेशन आप हासिल करते हैं। इसी तरीके प्लांट्स की बात करें हम, तो प्लांट्स में हम लकड़ियों से प्रोडक्ट बनाते हैं, लकड़ियां हासिल करते हैं प्लांट्स की, उनसे हम चीजें बना रहे हैं जी। फिर पौधों की, पौधे जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिससे ऑक्सीजन निकलती है, वो ऑक्सीजन आपके माहौल में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रख रही है। इसी तरीके से ये जो आपके बैक्टीरिया, फंगस वगैरह,
ये आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब मरते हैं तो उन पर जो है ये आके डिकम्पोज करते हैं उनको, जिससे आपके आपकी जमीन जो है वो फर्टाइल हो जाती है। इसी तरीके से आपकी पोल्यूशन रिड्यूस करते हैं, पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एब्जॉर्ब कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है हवा में मौजूद, ये आपकी पोल्यूशन का मेन रीजन है, मेन रीजन। इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह हो रहा है, पौधा इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। जितनी दुनिया में आपके पास बायोडायवर्सिटी होगी, जितना ज्यादा पौधा होगा, पौधा आपकी हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा, आपकी पोल्यूशन रिड्यूस होती है, आपके इकोसिस्टम्स मेंटेन होते हैं। आपको मैंने ये भी बताया था कि आपके पास जैसे कि पौधे होते हैं, पौधों को गाय खा जाती है, गाय को आप जो है वो गाय को आप लोग खा जाते हैं, है ना। आपकी एक चेन बनी हुई है, इसको आप कहते हो फूड चेन। अगर आपने पौधे खत्म कर दिए तो फिर बताएं गाय क्या खाएगी? गाय तो नहीं खा सकती कुछ, क्योंकि गाय पौधे खाती है। अगर आपने बायोडाइवर्सिटी में से पौधों को निकाल दिया तो फिर गाय भी नहीं सर्वाइव करेगी, फिर गाय भी मर जाएगी, गाय भी जिंदा नहीं रह सकती। और गाय सर्वाइव नहीं करेगी तो फिर आप क्या खाओगे? तो आपने पूरी चेन में से अगर आप एक ऑर्गेनिज्म को निकाल दोगे, पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाती है, फूड चेन आपकी इम्बेलेंस हो जाती है। तो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखना है ताकि हमारी ये जो फूड चेन है ये मेंटेन रहे। ये नहीं है कि खाली पौधे खत्म करने से आपको खाली पौधे के बेनिफिट्स आपको खत्म हो गए, आपकी फूड चेन मुतासिर होगी, और फूड चेन के मुतासिर होने से फिर आप अल्टीमेटली आप भी मुतासिर हो गए। फिर ये लास्ट पॉइंट देखें, इम्प्रूव द सॉइल। मैंने अभी आपको बताया बैक्टीरिया फंगस जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करते हैं। अब उनसे निकलने वाले जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपकी जमीन में मिल जाते हैं, पौधा उनको यूज कर लेता है, फिर वही पौधा गाय खा जाती है, गाय को हम खा जाते हैं, पूरी फूड चेन है। अगर आपने आपने फॉर एग्जाम्पल इस दुनिया में से बैक्टीरिया फंगस खत्म कर दिए तो फिर डिकम्पोज नहीं होगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फिर पौधों को वो सॉइल जो है वो फर्टाइल नहीं होगी, पौधों की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, छोटे छोटे से पौधे होंगे तो फिर गाय वगैरह वो भी डिस्टर्ब होंगी और आप भी डिस्टर्ब होंगे। तो बायोडाइवर्सिटी हमारे पास जो अल्लाह ने इस दुनिया में हमें इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की शक्लें जो दी हुई है ना, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ये क्यों दी हुई है? क्योंकि हम इनसे बहुत फायदे उठा रहे हैं। आपकी लाइफ में बायोडाइवर्सिटी से बहुत फायदा है जी, पौधों से आपको फायदा है, फंगस से आपको फायदा है, बैक्टीरिया से आपको फायदा है, एनिमल्स की जो इतनी सारी किस्में, इन सब से आपको फायदा है। तो अब जाहिर बात है अगर आपको एक चीज बेनिफिट में है, आपको एक चीज से प्रोडक्ट्स हासिल हो रहा है, बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स है, आपकी आपकी फूड चेन को वो स्टेबलाइज कर रही है, आपकी पोल्यूशन के अंदर जो है रिडक्शन लाती है, आपकी सॉइल को इम्प्रूव करती है, फिर जाहिर बात है हमें उस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना पड़ेगा, उसकी हिफाजत करनी पड़ेगी, केयर करनी पड़ेगी हमें। तो हमें अपनी बायो, हमारे पास अल्लाह ने बायोडाइवर्सिटी दी हुई है और हमें उसके कई फायदे हैं, दैट इज वाई वी हैव टू कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी। हमें अपनी दुनिया के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है उनकी हिफाजत करनी है। अब बात करते हैं कि जी अगर हमें बायोडाइवर्सिटी की हिफाजत करनी है तो फिर किस चीज से करनी है, क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी दुनिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस कर रही है, खत्म कर रही है, यानी वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हमारी बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट हो रही है। इसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पैदा करती है ना आपकी दुनिया में, जो बायोडाइवर्सिटी का डिक्लाइन है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो स्पीशीज खत्म हो रही हैं, या आप कह लें पेड़ पौधे आपके खत्म हो रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा रीजन जो है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज। इंसान ही से सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को खतरा है। आपके लिए अल्लाह ने बनाई है बायोडाइवर्सिटी और आप ही से सबसे ज्यादा खतरा है। आप अर्बनाइजेशन करते हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हो, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, पोल्यूशन कर रहे हो, ओवर हंटिंग कर रहे हो, इन सारी एक्टिविटीज से आपकी बायोडाइवर्सिटी कम हुई। अर्बनाइजेशन किसको कहते हैं? आप जंगलात को काट के जमीन हासिल कर लें और उस जमीन पर फिर लोगों को बसाएं, रिहायशी कॉलोनियां बना लें, कर रहे हो ना अभी। आपके पास पहले कराची में इतने सारे इलाके थे जहां पे जंगलात थे, आपने क्या करा जी, जब आबादी ज्यादा हो गई आपने वो जंगलात खत्म कर दिए, दरख्त पेड़ पौधे काट दिए और वहां पर आपने लोगों को बसाना शुरू कर दिया। अब जब आप जंगलात काटते हो तो वहां सिर्फ पौधे डिस्टर्ब नहीं हो रहे, आपने खाली पौधों को नहीं खत्म किया, बल्कि मैंने आपको बताया ना फूड चेन, तो वहां जितनी इस जंगलात में खाली पौधों के अलावा और दूसरी स्पीशीज भी होती है, फंगस होता है, बैक्टीरिया होता है, छोटे छोटे पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोड्स वगैरह होते हैं, वो सब खत्म कर दिया आपने। तो आप ये जो अर्बनाइजेशन करते हैं ना, जंगलात को काट के और उन जमीनों पर जब आप लोगों को बसाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है आपकी बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन का। दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन, आप इंडस्ट्रीज बना देते हैं जी, बड़ी बड़ी जमीनों को खत्म करके वहां इंडस्ट्रीज बनाते हैं, तो इन्होंने जो है
ना सिर्फ आपके बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस कर दिया, जहाँ दायर बात जंगल की जमीन थी वहां बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे थे, आपने खत्म करके वहां एक बेजान इंडस्ट्री लगा दी। तो इससे एक तो आपके बायोडाइवर्सिटी खत्म तो हुआ, साथ साथ आपका इंडस्ट्री जो है वो पोल्यूशन क्रिएट करता है, और पोल्यूशन क्रिएट करने से क्या होता है आपके फिर वो जो बचे बची हुई जो बायोडाइवर्सिटी है उनको नुकसान हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन वही जंगलात काटना, पोल्यूशन, ये जो आप गाड़ियां पेड़ पौधे इनसे जब आप पोल्यूशन क्रिएट करते हो ये भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नुकसानदेह होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा पोल्यूशन में आप इंक्रीज करते तो ये वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम रिस्पायरेशन के दौरान बाहर निकाल रहे हैं अपने जिस्म से, ये इतनी डेंजर है हमारे लिए कि हम अपने जिस्म से बाहर निकालते हैं, हम इसी को हवा में डाले जा रहे हैं। ओवर हंटिंग, लोग शौक के लिए, हंटिंग तो अल्लाह ने इजाजत दी हुई आपको ना, हंटिंग लोगों का ये खाने का जरिया है, अल्लाह ने आपको जानवरों की सूरत में फूड सोर्स प्रोवाइड किया है, लेकिन आप इसको तरीके से यूज करें, ओवर हंटिंग ना करें। जैसा गाय बकरी अल्लाह ने आपको दिया इसीलिए दिया है ना, आप इसको काटें खाएं, ये आपकी फूड का सोर्स है, लेकिन आप तो शौक किया वो हंटिंग शुरू कर दी थी। लोग हंटिंग करते हैं, जानवरों को मारते हैं और अपने उनके सर काट के दीवारों पे लगा देते हैं, खाल काट के दीवारों पे लगा देते हैं, शोशा। तो ओवर हंटिंग ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन का रीजन है। तो सबसे बड़ा रीजन जो हमारी दुनिया में बायोडाइवर्सिटी को गिराने, बायोडाइवर्सिटी खत्म करने के पीछे, वो खुद हमारी हरकत, हमारी एक्टिविटीज है। उसके बाद लैक ऑफ अवेयरनेस, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता ये बायोडाइवर्सिटी क्या है, इनसे हमें क्या फायदे हैं, बस उनको अपना मकसद पूरा करना है जी, उन्हें नहीं पता जंगल खत्म करने से क्या इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होंगे, बस उन्हें अपना मकसद पूरा करना है। तो हमारे यहाँ एक दूसरा जो बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन का वजह है वो यही है कि जी लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को पता ही नहीं है कि ये बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसकी क्या फायदे हैं, लोग बस अपना अपने आप को देख रहे होते हैं, वो कोई उनको जो परवाह नहीं है, गाड़ियां लिए जा रहे हैं, धुआं क्रिएट कर रहे हैं, इंडस्ट्री वाले बस अपना प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि जी पोल्यूशन जो हो रही है उससे क्या नुकसान होता है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस, वीक गवर्नेंस, हमारी हुकूमत की पॉलिसीज वीक होती हैं, पॉलिसीज कानून मौजूद हैं, कानून को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा होता, ये भी बायोडाइवर्सिटी के पीछे जो है डिक्लाइन के पीछे रीजन होता है। यूनिफॉर्म पॉलिसी का फुकदान है जी, कोई मुल्क अच्छी पॉलिसी बनाया हुआ, कोई मुल्क पॉलिसी बनाया हुआ कि जी इंडस्ट्रीज जो है एक खास एरिया में हो, ये अच्छी पॉलिसी है तो दूसरा मुल्क इसको अडॉप्ट नहीं कर रहा होता। तो यूनिफॉर्म पॉलिसी ना होने की वजह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के वीक, ये काफी रीजन है बायोडाइवर्सिटी की डिक्लाइन के पीछे। तो बायोडाइवर्सिटी यानी कि जानदारों की जो इतनी सारी शक्लें हमारी दुनिया में मौजूद हैं, ये हमारे लिए बहुत फायदे की चीज है। इनको अगर हम तरीके से इनको मेंटेन रखें, इनकी स्पीशीज को बचाएं, तो बायोडाइवर्सिटी उसे होने वाले फायदे हमें बहुत अरसे तक होते रहेंगे। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हम बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन कर रहे हैं। रीजन्स मैंने आपको बता दिए, आपकी ह्यूमंस की एक्टिविटीज, अवेयरनेस की कमी, गवर्नेंस की कमी, कोई पॉलिसी मेंटेन नहीं है, डिपार्टमेंट्स हमारे वीक है, इन वजह से क्या हो रहा है कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचा नहीं पा रहे हैं, और दिन ब दिन हमारी बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस होती जा रही है। अब जब रिड्यूस हो रही है तो आप देख लें, लोगों को फूड की कमी हो रही है, पोल्यूशन में इंक्रीज हो रहा है, बहुत सारे फिर आपको नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। तो जो बायोडाइवर्सिटी के फायदे हैं वो आपके कम होते जा रहे हैं, क्योंकि आप बायोडाइवर्सिटी कम कर रहे हो। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड टॉपिक आता है जी हमारे पास, डिफॉरेस्टेशन। अभी हमने देखा कि ये जो बायोडाइवर्सिटी का डिक्लाइन है हमारी दुनिया में, जो बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज की जो सूरतें हैं वो हमारी कम होती जा रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन कहते हैं जी जंगलात को खत्म करना। आपकी किसी जमीन पर जंगलात अगर आबाद हैं तो आप उन जंगलात को खत्म कर दें, पेड़ पौधे काट दें, उस जमीन को बिल्कुल साफ करके उस जमीन को अपने किसी इस्तेमाल में लिया है, इसको आप कहते हो डिफॉरेस्टेशन। सबसे पहले याद रखिएगा, डिफॉरेस्टेशन का जो रीजन है अर्बन डेवलपमेंट, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, टिम्बर्स, रोड्स। अर्बन डेवलपमेंट मैंने अभी आपको बड़ी काफी डिटेल में बताया, आप जंगलात को खत्म करके जमीन हासिल करते हैं और फिर उसमें लोगों को आगे आबाद कर देते हैं, रिहायशी कॉलोनियां बना देते हैं, फ्लैट बना देते हैं, इसको आप कहते हो अर्बन डेवलपमेंट। कल्टीवेशन, आप जमीन को काटते हैं और उसमें वहां पे फिर कुछ उगाना शुरू कर देते हैं। ग्रेजिंग, जानवरों को आप छोड़ देते हो जंगलात के अंदर, वो खाना पीना शुरू कर देते हैं, जंगलात को खाते हैं। टिम्बर, लकड़ियां हासिल करने के लिए आप जंगलात काटते हो ताकि इन लकड़ियों से आप प्रोडक्ट्स बनाओ। या रोड, बहुत से कनेक्टेड दो सिटीज को कनेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो जी, जंगलात काट के वहां रोड बना देते हो। तो ये आपके रीजंस हैं डिफॉरेस्टेशन के पीछे, जंगलात को खत्म करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन अर्बन डेवलपमेंट होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, कल्टीवेशन, टिम्बर, रोड, ये सब रीजंस हैं।
और डिफॉरेस्टेशन के नुकसान मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या नुकसान है जी, डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट क्या है जी। सबसे पहला बायोडाइवर्सिटी का लॉस, आप जब जंगलात काटोगे तो खाली वहां दरख्त कब नहीं हो गए, उन दरख्त की पेड़ पौधों पर जमीनों पर नीचे अंदर फंगस बैक्टीरिया पाया जाता है वो भी खत्म, उन दरख्तों पर कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोड्स होते हैं जी, मट्टी के अंदर छोटे छोटे आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो खत्म, एल्गीज होती है वो खत्म। खाली जंगल मत समझे, वो पूरी एक कम्युनिटी है, वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने कम्युनिटी पढ़ा था ना, वो कम्युनिटी होता है एक जंगल। फॉरेस्ट एक ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, वहां बहुत सारी किस्म की स्पीशीज मौजूद होती है जो कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, फूड चेन। अगर आपने जंगल खत्म कर दिया डिफॉरेस्टेशन की, आपने वो पूरी कम्युनिटी वाइप आउट कर दी है, आपने पूरी कम्युनिटी खत्म कर दी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो डिफॉरेस्टेशन का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और फिर उसके इफेक्ट आना शुरू होता है ग्लोबल वार्मिंग। आपको पता है ना, आपकी ये जो ग्लोबल वार्मिंग पोल्यूशन वगैरह का जो इम्पैक्ट होता है, इसके पीछे सबसे बड़ी रीजन है जी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके पास हवा में जाके लेयर बना रही है जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को नेचुरली अल्लाह ने आपको प्लांट्स दिए इन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए। प्लांट इन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करता है। आप जब जंगलात खत्म करोगे, जंगलात में सबसे ज्यादा प्लांट खत्म होता है, पौधे पेड़ पौधे खत्म होते हैं, कौन एब्जॉर्ब करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी नहीं। फिर होगा क्या, आपकी दुनिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे पूरी दुनिया का आप देखें टेम्परेचर कैसा फर्क पड़ता जा रहा है। सॉइल इरोजन, आपकी सॉइल की जो ऊपर का लेयर होती है जो कि फर्टाइल होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है, अगर जंगल मौजूद होंगे तो आपकी वो लेयर अपनी जगह रहेगी, अगर आप जंगल हटा दोगे तो हवा और पानी उस फर्टाइल लेयर को हटा देते हैं, सैलाब पानी हवा, फिर आपकी वो जो ऊपर सरखेस मट्टी है ना जिसमें आपके प्लांट अच्छे ग्रोथ कर सकते हैं वो हट जाती है, इसको आप कहते हो सॉइल इरोजन। तो अगर जंगल कायम है तो उस जमीन पर जो ऊपर फर्टाइल लेयर है वो भी मेंटेन रहती है, अगर आप जंगल हटा दोगे तो फिर वो फर्टाइल लेयर हवा के जरिए खत्म हो जाती है और आपकी वो जमीन बंजर हो जाती है। फ्लडिंग, सैलाब आते हैं क्योंकि जंगल, जंगल में से अगर आपके पास एक इलाके में जंगल मौजूद है, फॉरेस्ट मौजूद है, तो जब वहां पानी आ रहा होगा तो ये दरख्त जो है उस पानी को काट देता है। इमेजिन कर ले आपके पास पानी आ रहा है जी, पूरा फ्लो होते आपने दरख्त बहुत सारे लगे हुए, क्या होगा आपके वो फ्लड की जो पावर होती है उसको रिड्यूस कर देगा जंगलात। लेकिन अगर आपने जंगल हटा दिए तो अब बताएं मुझे सैलाब आ रहा है तो कौन है जी दरख्त, कहाँ है दरख्त, वो है ही नहीं, तो आपका सैलाब ऐसा बहता हुआ आता है। तो जहां जंगलात मौजूद होते हैं वहां फ्लड की जो पावर होती है, इंटेंसिटी होती है, वो रिड्यूस हो जाती है। लो रेनफॉल, आपको पता है जी कि बादल या पानी आपके प्लांट्स जो है वो एवेपोरेशन करते हैं, यानी कि ट्रांसपायरेशन के जरिए पानी को हवा में निकाल देते हैं, वो हवा में पानी जो है बादल बन के आपके पास आगे जाके बरसता है। पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो कौन पानी आपका जो है ट्रांसपायरेशन करेगा, तो लो रेनफॉल हो जाती है। जिन इलाकों में जंगलात होते हैं वहां बारिश का तनासुब ज्यादा होता है, और जिन इलाकों में जंगलात नहीं होते वहां बारिश का तनासुब कम होता है। और फिर वही आखिरी के जी, वाइल्ड लाइफ जो होती है यानी जंगलात के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कमी हो जाती है। ठीक, तो ये डिफॉरेस्टेशन के कुछ नुकसान है, फूड चेन ये सब मैंने आपको बता दिया। अब हम आखिरी दो टॉपिक पर आते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज और इनडेंजर्ड स्पीशीज। एक्सटिंक्ट कहते हैं ऐसी स्पीशीज, ऐसे प्लांट, ऐसे एनिमल्स को जो अब आपकी दुनिया में मौजूद नहीं है। एक जमाने में आपके पास इस दुनिया में उनकी जानदार मौजूद थे लेकिन आज वो खत्म हो गए। ये मिसाल के तौर पर डायनासोर, ये जो दूसरा एलिफेंट टाइप का, ये मैमथ कहलाता था, ये डोडो है, ये वो ऑर्गेनिज्म थे जो एक जमाने में इस दुनिया में हुआ करते थे लेकिन आपने इनकी हिफाजत नहीं करी। बायोडाइवर्सिटी जो भी आपको बता रहा हूँ, आपने इनकी हिफाजत नहीं करी, क्या हुआ, खत्म। इतने खत्म कि आज इनका कोई भी लिविंग मेंबर नहीं है, कोई भी जिंदा फॉर्म में नहीं है। ऐसी स्पीशीज को हम कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज, वो स्पीशीज, वो प्लांट, वो एनिमल जो एक जमाने में इस दुनिया में थे, हम उनकी हिफाजत नहीं कर सके, आज वो खत्म हो गए। और दूसरे कहलाते हैं इनडेंजर्ड, खतरे में। ये वो स्पीशीज होती हैं जिनके लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत कम तादाद में रह गए, बहुत कम तादाद में इनकी लिविंग फॉर्म रहती है आपके पास। अगर आप उनको रिस्क पे, यानी कि वो एक्सटेंशन के रिस्क पर है, खत्म होने की बॉर्डर पर है, अगर आप उनकी हिफाजत कर लें तो बच जाएंगे। आप इनकी हिफाजत करें, इनका केयर करें, अदरवाइज आपने इनकी केयर नहीं करी तो ये भी फिर एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे हैं, जैसे कि ये स्नो लियोपॉड,
बहुत कम इनके लिविंग फॉर्म रह गई है, बस बहुत कम जानदार पाए जा रहे हैं ये। अब तो खैर इनको हिफाजत की जा रही है इनकी, लेकिन अगर हम इनकी हिफाजत करना छोड़ दें ये भी मर जाएंगे जो कुछ रह गए, तो फिर ये क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट स्पीसीज हो जाएगी। इसी तरह पांडा बड़ा मशहूर है जी कि ये बिल्कुल इंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट में आता है जी, कि ये ख़त्म होने वाला है, इसकी हिफाजत कर रहे हैं अब लोग। इसी तरह ये जो पाकिस्तान का कौमी जानवर है मारखोर, उर्दू में कहते हैं इसको मारखोर, ये भी एंडेंजर्ड है क्योंकि इसकी ओवर हंटिंग होती है, बहुत इसके शिकार करते हैं लोग, जिसकी वजह से ये जो है अब तकरीबन ख़त्म होने के गगार पर है। तो ये दो तरह की स्पीशीज है, क्योंकि हम उसी की हवाले से बात कर रहे थे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, तो जिनको हमें बचाना है, जिनकी स्पीशीज बहुत कम रह गई, अगर हम उनकी हिफाजत नहीं करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगी, फिर उनका कोई भी जानदार नहीं बचेगा, उनको आप कहते हो इनडेंजर्ड स्पीशीज। और जो अब ख़त्म हो गई, जिनका कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अब आपकी दुनिया में मौजूद नहीं है, उनको आप कहते हो एक्सटिंक्ट।